हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस। मैं विजय आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने नीट का डीजे। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि लगातार पिछले 15 दिनों से हम लाइव क्लासेस में डील कर रहे हैं और नीट के लिए आपके रास्ते को आसान बना रहे हैं। अब इसमें आपको अब हार्ड वर्क को बढ़ाना है, क्योंकि अब टाइम कम होता चला जा रहा है और उसके बेसिस पर आपकी स्ट्रेटजी भी फास्ट होनी चाहिए। इट्स माय अपील टू ऑल द नीट एस्पायरेंट्स टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए लिमिटेड वे। वी नीड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्टिव नॉलेज इन ए वेरी लिमिटेड कंसर्न। बिना लिखे आपका रिट्राइवल एग्जाम टाइम में इट विल लिटिल बिट दैट इज लैगिंग, नॉट अप टू द मार्क रिगार्डिंग व्हाट यू नीड एट दैट टाइम। सो दैट्स व्हाई कंटिन्यूअस राइटिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट पॉइंट आल्सो। प्रीवियस क्लास, दैट मीन्स यस्टरडे, वी हैव स्टार्टेड बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स के हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं अमीनो एसिड्स से, फिर हमने लिपिड्स के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी और फिर हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट किया। अब न्यूक्लिक एसिड के बहुत सारे फेजेस को एक ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल नेचर किस तरीके से बनता है, बॉन्डिंग, वो सब कुछ हम कर चुके हैं। अब हम उसके और आगे के प्रोस्पेक्टिव को स्टार्ट करते समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये कई बार वो आपका नीट में ये एमसीक्यू फॉर्म में आ चुका है। देखिए, जो कल हमने बात की थी उसी को आगे फोकस करते। दैट्स अ प्यूरिन, जब प्यूरिन ये देखा रखा है आपको एक प्यूरिन और ये जुड़ गया पूरा पेंटोस शुगर के साथ, सो दैट अ न्यूक्लियोसाइड, और एडिनिन के बेसिस पर इसका नाम हो गया एडिनोसिन। अब सेम आपका यूरेसिल के नाम साथ इसका नाम हो गया यूरिडीन, ऐसे ही थाइमिडीन और ऐसे ही ग्वानोसिन। तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि व्हेन प्यूरिन, कोई भी नाइट्रोजिनस बेस किसके साथ जुड़ जाए, पेंटोज शुगर के साथ, तो जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अब यहां पर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ गया, सो दैट इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है जी। ये आपका न्यूक्लियोटाइड, नाम हो गया एडिनाइलिक एसिड। अब ये हुआ आरएनए के लिए। अब वहीं पर आप अगर डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए में ये चेंज इस तरीके से हो जाएगा, दैट बिकम डीऑक्सी, जो है ये यहां पर जुड़ जाएगा राइबोस के साथ। तो सिंपल सी बात ये है जो मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। कि राइबोस प्लस एडिनिन, देयर इज एडिनो
सी, और सिंपली डी ऑक्सी राइबोस प्लस एडेनिन, दैट इज डी ऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है जी, तो ये आपका हुआ आरएनए के लिए और ये हुआ आपका डीएनए के लिए, और ये बात करी हमने न्यूक्लियोसाइड की। अब इसी तरीके से एडिनोसिन जब जुड़ जाएगा आपका फॉस्फेट ग्रुप के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो ये बनाएगा एडिनाइलिक एसिड। ठीक है जी, और डी ऑक्सी एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। अब जिसको हम सिंपली, इसको हम ए एम पी भी कह सकते हैं, ए एम पी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर आरएनए, और इसको हम डी ए एम पी भी कह सकते हैं, डी ऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉर डीएनए। तो ये आपका, ये हमने बात करी न्यूक्लियोटाइड की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है, इसके ऊपर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकता है। इसी तरीके से जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, दैट इज एंटी पैरेलल, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है जी, सेम ये आपको ध्यान, एंटी पैरेललिटी को भी दिमाग में रखना है। अब यहां पर इसे हम 3 डैश और 3 डैश मोइटी, अब इसका मतलब क्या है कि पेंटोस शुगर के थर्ड कार्बन पर ओएच ग्रुप जुड़ने के लिए खाली है। ठीक है जी, दूसरी तरफ क्या होगा, 5 डैश जो पेंटोस शुगर का 5 डैश, 5 पांचवा कार्बन है उस पर का ओएच ग्रुप खाली। ठीक है जी, अब दोनों के बीच में, जैसे कि एडिनिन के साथ हमेशा थाइमिन बनाएगा, या थाइमिन के साथ एडिनिन डबल बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन या ग्वानिन के साथ साइटोसिन, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ठीक है जी, अब इस कॉम्प्लीमेंटैरिटी में जो ये आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं। अब इसमें एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन खाली होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से आमने सामने यहाँ पर 2 बॉन्ड बनने की गुंजाइश होती है, इनके बीच में 3 बॉन्ड बनने की गुंजाइश होती है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, सॉरी गलत लिख गया इसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बेसिकली। अब इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है आपका जो ये डीएनए बताया था, ये राइट हैंडेड डीएनए बताया था, जिसको हम बी डीएनए कहते हैं। ठीक है जी, जो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। ठीक है, होने को लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी होता है, जिगजैग भी होता है, सब कुछ है। अब इसी तरीके से जो डीएनए है, ये आप जो देख रहे हैं 2 टर्न के बीच का गैप, इसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। अब इस पिच में जो मोस्ट कॉमन है वो लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं। इस पूरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और 2 बेस पेयर के बीच का गैप 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर होता है। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है, जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ी है, दैट इज नॉट अ न्यू थिंग। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर होने चाहिए। 3 तरीके के बॉन्ड हो गए, हमने इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की।
प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब इसमें बीच बीच में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो और बताता चलता हूँ साथ में। ये हमने सब कवर कर ही लिया था, ये सारा कवर हो गया, ये सब कवर हो गया। देखिए यहाँ पर एक तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के नाम यहाँ आपको दिए हुए हैं, ये अच्छे तरीके से दिमाग में रखने हैं। ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन, न्यूक्लियोसाइड। और एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक, साइटिडाइलिक, ये हो गए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये पूरा पेज हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब ये इनके डिफरेंट कैटेगरीज हो गई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब जो ये टेबल है इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये मैच द कॉलम के बेसिस पर आपसे पूछी जा सकती है। तो इस पर लिख लीजिए एमसीक्यूज फॉर मैच द कॉलम, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब बायोमोलिक्यूल्स का करेक्टराइजेशन, बायोमोलिक्यूल्स लगभग 18 डाल्टन से 800 डाल्टन की रेंज में। ठीक है जी, अब डाल्टन क्या है, मॉलिकुलर मास को मेजर करने की यूनिट है ये। ठीक है, अब इसमें देखिए सभी तरीके के इस इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में भी हमें चार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स, आपका प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स। ठीक है जी, अब इसमें सबका वेट लिपिड्स को छोड़कर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिपिड्स को छोड़कर सबकी रेंज 10,000 डाल्टन से ऊपर है। ठीक है जी, अब यही वजह है कि जो आपको हमने केमिकल कंपाउंड्स को, बायोमोलिक्यूल्स को दो पार्ट में बांट दिया, एक वो जिनका वेट जो है वो 1,000 डाल्टन से कम है, और एक वो जिनका उससे ज्यादा है। जो कम है उन्हें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका ज्यादा है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर लिपिड्स जो हैं, जिनका 800 डाल्टन के आसपास होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, उन्हें वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, तो इसलिए उन्हें हमें बायो मॉलिक्यूल्स कहना पड़ता है, बल्कि वो मैक्रो में नहीं आ सकते। ये इस तरीके से है जैसे डी ब्लॉक में होता है ना कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को हमें डी ब्लॉक कहना पड़ता है, लेकिन ट्रांजिशन वो है नहीं, क्योंकि उनका डी पूरा का पूरा कंप्लीट है। बल्कि हमने ट्रांजिशन किसको कहा है, जिनके में 1 से 10 के बीच, 9 से बीच में हो, उनके में प्रॉपर है पूरे। ठीक है, तो वेरिएबल वैलेंसी वो शो ही नहीं करते, और हमारा सारा कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सेम उसी, ये हमें उसमें मिलते हैं इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, तो हमें इन्हें उसमें कंसीडर करना पड़ता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यही चीज ये कह रहे हैं, कंपाउंड्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्यूबल। तो जिसकी वजह से वो इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन में हमें मिलता है। फिर यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल पूल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एसिड सॉल्यूबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स, ये एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल। ऐसे ही है, फिर मैच द कॉलम के लिए टेबल इंपॉर्टेंट हो गई जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्रोटीन सम एक, ये मैच द कॉलम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आ जाइए जी पॉलीसेक्राइड। देखो जी पॉलीसेक्राइड, देखो पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड्स मीन्स शुगर। ठीक है, अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये मोनोसेक्राइड्स हैं उसकी 3 कार्बन से लेकर और 7 कार्बन तक की लिस्ट है। ठीक है, अब 3 कार्बन वाले में अगर उसमें जनरली इनके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। मान लीजिए 3 की हम बात कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ट्रायो एल्डोज, ट्रायो कीटोज। ठीक है, ऐसे ही टेट्रो एल्डोज, टेट्रो कीटोज, पेंटो एल्डोज, पेंटो कीटोज, हेक्सो एल्डोज, हेक्सो कीटोज, और हेप्टुलोज, हेप्टो एल्डोज, हेप्टो कीटोज, इस तरीके से। ठीक है,
अब उसमें मोस्ट कॉमन भाई, एक तो 5 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड हमने आपका राइबो शुगर में पढ़ लिया, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज, और 6 कार्बन वाला आपका हो गया ये मेजरली फ्रक्टोज सुक्रोज और गैलेक्टोज, सॉरी ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। आप देखो ग्लूकोज के अंदर और गैलेक्टोज के अंदर दोनों में ही CHO ग्रुप होता है, लेकिन उसमें OH ग्रुप का अरेंजमेंट अलग होता है, इसलिए वो एक दूसरे से अलग है। और जो आपका फ्रक्टोज है उसमें CO ग्रुप होता है, ये 12th में भी आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा, ठीक है? तो ये चेंजेस इसके अंदर दिमाग में रखने। अब यहां आप देखेंगे तो ये आपने वो पढ़ा था ना बायोमोलिक्यूल्स में 12th में, के जी पायरेनोस फॉर्म और आप फ्यूरेनोस फॉर्म, तो उसी तरीके से ये आपको दिखा रखा है। अब ये एक ग्लूकोज की पायरेनोस फ्यूरेनोस फॉर्म, पायरेनोस, ये दूसरे की पायरेनोस फॉर्म। अब ये दोनों के बीच में जो आप बॉन्डिंग देख रहे हैं ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये वाली, ये सब क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है जी? क्योंकि ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल या दोनों फ्रक्टोज मॉलिक्यूल या एक फ्रक्टोज एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, इस तरीके से किन्हीं के भी बीच में ये डेवलप हो सकता है, ठीक है? समझ में आ रही है बात? अब यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए जी, अब जैसे ये होमोपॉलीमर कोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर सब तरीके की रेंज इनकी हो सकती है। जैसे सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है, ये ग्लूकोज 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 सेवरल मॉलिक्यूल्स जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से इनुलिन जो है होमोपॉलीमर फ्रक्टोज का है, इसमें सारे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जुड़ते चले जा रहे हैं। अब जैसे ग्लाइकोजन को ले, अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एंड और लेफ्ट हैंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। अब रिड्यूसिंग एंड मतलब समझते हैं आप, CHO ग्रुप आपका COH ग्रुप में बदलने के लिए तैयार है भाई, टॉलेंस रिएजेंट डाला हमने या फेलिंग सॉल्यूशन डाला तो वो, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो वो करेक्टरिस्टिक फीचर दे रहा है। अब इसका, अब यहां पर ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जी आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं ब्लू ब्लैक कलर आता है, तो वो स्टार्च के साथ ही क्यों आता है? क्योंकि स्टार्च के अंदर जो है आपका होल्ड करने के लिए हेलिकल पोर्शन के अंदर रीजन्स होते हैं जहां पर वो आयोडीन को अपने साथ चिपका लेता है और स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसके कि ब्लू कलर अपियर होता है। सेल्यूलोज में ऐसे सर्टेन हेलिकल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नहीं होते, तो इसलिए ग्लूकोज नहीं दे पा, सेल्यूलोज नहीं दे पाता, स्टार्च दे पाता, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी? अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो प्लांट सेल वाल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, प्लांट पप ये सब भी सेल्यूलोज के हैं। अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए अमीनो शुगर्स केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स हैं, जैसे ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये बेसिकली जैसे ये आपका हो गया इसी का ही पॉलीमर, क्या नाम है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो आपका काइटिन होता है, ठीक है? दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स आर मोस्टली, ये भी होमोपॉलीमर्स ही है। हाँ नहीं, ये बेसिकली एन एसिटाइल नेग, उससे काइटिन बन रहा है, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए न्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी वी हैव डन, सारा इसमें वही पोर्शन है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। बाबू मोनोसेक्राइड वाली बात आपको ध्यान रखनी है, नाइट्रोजिनस बेस हेट्रोसाइक्लिक है, राइबोज या डिऑक्सी राइबोज शुगर मोनोसेक्राइड है 5 कार्बन वाला, और फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट होता है। राइबोज जो बेसिकली 2' डिऑक्सीराइबोज या डिऑक्सीराइबोज, बात एक ही है, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड, एंजाइम्स। अब देखिए भाई बेसिकली क्या है कि हमने अभी पढ़ा कि ये इस तरीके से ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गई, हाँ ये सब कट गया है इसमें,
जो भी टॉपिक हम नई बुक में उसके हिसाब से ही हैं, बाकी सब कुछ कट गए, वो सीयूईटी में तो आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं अलग अलग पॉकेट्स और क्रिवाइसिस बन रहे हैं, इन्हीं को ही हम कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इन्हीं क्रिवाइसिस और पॉकेट में ये बेसिकली सबस्ट्रेट का, ये समझ लीजिए जैसे लॉक और की एक पर्टिकुलर अपने ही ताले में एंटर हो सकती है, उसकी खांच उसी तरीके से बनी हुई है, ऐसे ही इसमें सबस्ट्रेट के हिसाब से खांच बनी हुई होती है, जिसमें वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही फिट हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और इन्हीं को हम क्रिवाइसिस या एक्टिव साइट्स कहते हैं। देखिए ये वर्ड आ गया एक्टिव साइट, समझ में आ गई बात? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज देखिए जी, अब एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज क्रिवाइस और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट फिट्स, दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट ए वेरी हाई रेट, और एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंजाइम्स के बीच में, अब यहाँ आपको डिफरेंसिएशन भी इन्होंने दिया हुआ, वो किसी भी टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। ऑर्गेनिक वाला तो भैया बायोकैटलिस्ट, तो एंजाइम्स तो एक निश्चित बॉडी टेम्परेचर पर ही वर्क करेंगे और पीएच पर ही वर्क करेंगे, वो किसी भी पीएच पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होंगे। समझ में आ रही बात? और इनका जो आपका ड्यूरेशन है, यानी कि इनकी जो बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है, जैसे कि आप अभी इसमें पढ़ेंगे आगे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो आपका CO2 के लिए डिजोल्व प्ला उसमें आपका बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो रिलीज करवाता है, उसमें 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल बनेंगे अगर बिना एंजाइम के, और वहीं 1 सेकंड में 6 लाख। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त पावरफुल है, मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो थर्मल स्टेबिलिटी, अब थर्मल स्टेबिलिटी वाले भी एंजाइम्स हैं, जैसे कि आपने टैक पढ़ा है, टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस, तो वो भी बात आपको ध्यान में रखनी है। वहां से रिलेट करके क्या बन जाता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है जो इसके साथ पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अब जैसे केमिकल रिएक्शन आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, DE/DT, ठीक है, तो वही सेम है, प्रोडक्ट बढ़ेगी और रिएक्टेंट घटेगा। ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ा है उसमें कि हर 1 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाती है, तो वही चीज ये भी बता रहे हैं। ठीक है, और वही देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला आ गया कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एवरी सेकेंड, और वहीं आप अगर नहीं रखें तो 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं केवल। तो अब आप समझ सकते हैं 10 मिलियन टाइम्स लगभग रेट एक्सलरेट हो गई। तो ये आपको इस बेसिस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, कोई और डिजिट देकर आपसे पूछ ले। समझ में आ रही है बात? तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और, ये कह रहे हैं कि जितने भी ये प्रोसेसेस होते हैं ये मल्टी स्टेप्स होते हैं, ये एक स्टेप में होने वाले प्रोसेसेस नहीं है। अब इसमें दो तरीके के प्रोसेसेस हैं, या तो लीनियर होंगे जैसे ग्लाइकोलाइसिस, और या आपके साइक्लिक होंगे जैसे क्रेब साइकिल हो गया, आपका C3 साइकिल हो गई, C4 साइकिल हो गई। ठीक है, तो दोज आर साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 100% इसके ऊपर आपको नीट में क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जेंस, ये सेम आप 12th में भी उसमें इलेक्ट्रो उसमें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। देखिए, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, जिसकी जो भी स्टेबल होगा उसकी लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो भी आपका अनस्टेबल होगा उसकी हाई होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको बड़े ध्यान से समझिए, ये सबस्ट्रेट लेवल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि
वो मिनिमम एनर्जी जिस पर सबस्ट्रेट रिएक्शन करने के लिए तैयार है, ठीक है। यहां पर रिएक्शन इनिशिएट होगी, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो सबस्ट्रेट को रिएक्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए, थ्रेशोल्ड कह सकते हैं इसको मिनिमम, ठीक है। अब ये यहां से ये ट्रांजिशन बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड की, कि जहां पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, अब यही पर मेन मुद्दे की बात है कि जो ये सबस्ट्रेट लेवल है और जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसके बीच के गैप को ही कम करने का काम होता है एंजाइम का, जो उसे अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है टू रिड्यूस द टाइमिंग एंड टू एक्सलरेट द रिएक्शन, ठीक है। अब इसी गैप को हम एक्टिवेशन एनर्जी, बिना एंजाइम ज्यादा होगा और एंजाइम के साथ ये कम, ठीक है जी। एंड एट लास्ट वी हैव द प्रोडक्ट। अब अगर सबस्ट्रेट से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये, और ये ऊपर दिखाएगा आपको, तो एंडोथर्मिक बहुत बार आ चुका है, तो उसको अच्छे तरीके से आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये मेन मुद्दे की बात है जो पूरे ग्राफ से रिलेटेड आपको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, वही लॉक एंड की मैकेनिज्म है। सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया, प्रोडक्ट में बदलते ही एंजाइम अलग हो जाएगा। तो एंजाइम का पार्टिसिपेशन रिएक्शन में नहीं है, रिएक्शन को अल्टरनेट एनर्जी पाथवे प्रोवाइड करके उसको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्सलरेशन देना, ठीक है, अपनी सरफेस प्रोवाइड करना, अपनी सरफेस पर सबस्ट्रेट को जगह देना, उसके बॉन्ड्स को एक्टिव करना, वो सारे काम करता है, लेकिन खुद नहीं टूटेगा किसी चीज में, ये एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, तोड़ेगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में। समझ में आ रही है बात? तो लॉक एंड की मैकेनिज्म क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, अब फिर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम चांस है इसके भी एग्जाम में मिलने। देखिए बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए जी, पीएच लिया है हमने या टेम्परेचर लिया, दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या किया, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस से, वो सॉरी वाई एक्सिस से, ऐसे ही सेम हियर। तो ये पीक हमें, ये हो गया पीक दोनों में, तो पीक क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, दोनों तरफ पीक क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब ये एक्स एक्सिस पर ये क्या शो कर रहा है, ऑप्टिमम पीएच, और ये क्या शो कर रहा है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है जी। अब व्हाट आई वांट टू से, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब ये है, जैसे कि सपोज करिए हमारा पीएच है 7.45, तो उस पर हमारे सारे एंजाइम्स बेस्ट वर्क करेंगे, यानी कि मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी। 37 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी। अब बिलो 37 डिग्री सेल्सियस एंजाइमेटिक एक्टिविटी फॉल्स, अबव 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपको दिखा रहा है अबव और ये दिखा रहा है बिलो, ऐसे ही सेम पीएच के अबव और पीएच से बिलो। समझ में आ रही है बात? बिलो 7.45, अबव 7.45, अबव 37 डिग्री सेल्सियस, बिलो 37 डिग्री सेल्सियस। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बेस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर, इज इट क्लियर? अब आते हैं बात कंसंट्रेशन पर। देखिए कंसंट्रेशन पर हमने यहां लिया है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दैट इन मोल्स पर लीटर, ब्रैकेट का मतलब ही आप जानते ही हैं केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, मोल्स पर लीटर, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिए मेरी बात, कि ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। देखिए जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एक हद तक
एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही है, बट एट दिस टाइम दैट बिकम सैचुरेट, और ये हो गई वी मैक्स। अब यहां पर क्या है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो लगातार शरीर में बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उस सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने वाला एंजाइम जितना मैक्सिमम शरीर बना सकता था वो बना चुका। अब उसके मतलब सबस्ट्रेट तो है लेकिन और एंजाइम जुड़ने के लिए अवेलेबल नहीं है, सो दैट लीड्स टू सैचुरेशन। मैं फिर अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लगातार शरीर में बढ़ रही है लेकिन उस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होने के लिए और एंजाइम अब शरीर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, अब और उसके पास एंजाइम बनाने के लिए नहीं बना सकता वो, दैट लीड्स टू सैचुरेशन। समझ में आ रही है बात, क्लियर? अब वो सैचुरेशन किस पर आ गई, वी मैक्स पर आ गई, ठीक है। अब वी मैक्स का जस्ट हाफ हमने लिया, वी मैक्स बाय टू, उससे हमने परपेंडिकुलर डाला और उससे फिर परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, दैट गिव्स अस द के एम, मिशेलीज कांस्टेंट। क्या है ये के एम? मिशेलीज कांस्टेंट, दैट सिग्निफाई, अब ये जितना कम होगा यानी कि उतना ही सबस्ट्रेट अपनी मिनिमम पर भी मैक्सिमम मतलब वी मैक्स बाय टू दे रहा, जितना ये कम होगा उतना ही सबस्ट्रेट की एफिशिएंसी एंड एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी कि वो उतने ही सबस्ट्रेट को फास्ट कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, तो केएम जितना कम होगा उसका मतलब वो कम से कम सबस्ट्रेट के लिए भी ज्यादा बेहतर ढंग से वर्क कर रहा है वो एंजाइम, सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केएम। अब बुक में इसकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन देखो केएम इन्होंने दे दिया, तो ये काम टीचर का है। और आप ये कहो कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, वैसे क्वेश्चन अब ये 2018 के बाद मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको दिमाग में रखिए, दैट कैन बी अ डिसाइडर, कि एक ही आ गया, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट केएम दिया हुआ है, अब इसकी नॉलेज देना वो टीचर का काम, इसलिए दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। समझ में आ गए तीनों ग्राफ, अब कोई सा भी मिल सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू को पूरी तरीके से आपको समझना पड़े। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर क्लासिफिकेशन आ जाता है। अब क्लासिफिकेशन में पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज का मतलब जो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। अब यहां पर एस यहां रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और एस डैश आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगी, एलिमिनेट होगी। एस यहां रिड्यूस था, ऑक्सीडाइज हो गया, एस डैश ऑक्सीडाइज था तो ये बता रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज, और या इसमें हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी तो इसलिए डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांसफरेज, एस और जी के बीच में बॉन्डिंग थी लेकिन जी किसके साथ ट्रांसफर हो गया, एस डैश के साथ, एस अलग हो गया, तो ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर कर दे। नेक्स्ट हाइड्रोलेज, जो पानी के साथ बॉन्ड को तोड़ दे, कार्बन कार्बन के बीच में, अब वो एस्टर में, ईथर में, पेप्टाइड किसी में भी, कार्बन कार्बन या कार्बन हेलाइड या फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ता है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट लाइजेजेस, लाइजेजेस का क्या है, देखो इन दोनों कार्बन पर दो अलग अलग कंपोनेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं एक्स और वाई, तो वो इनके बीच में बॉन्ड बना देगा, ठीक है, और कार्बन चेन को अलग कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइजेजेस। आइसोमर्स बना दे, आइसोमरेज, जैसे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बन गया तो वो आइसोमरेज कहलाएगा, इसी तरीके से लाइगेजेस जो बॉन्ड बना दे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन सल्फर के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में और फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जी कोफैक्टर्स, इसको ऐसे समझिए
कि जनरली क्या होता है, हम थम्सअप पी रहे हैं, अब उसके अंदर जायका चाहिए, हमने काला नमक डाला और उसके अंदर नींबू निचोड़ दिया, तो उसने उसको क्या बना दिया, इफेक्टिव बना दिया, उसका टेस्ट बेहतर कर दिया। तो उसी तरीके से कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की, उसको और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देते। अब इसको आप सिंपली इस तरीके से समझिए कि आपका जो एंजाइम है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट इज सेट टू बी एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इज नेम्ड एज कोफैक्टर। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। अब ये कोफैक्टर आपका मेटल एटम भी हो सकता है, ठीक है जी, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है और आपका को एंजाइम्स भी हो सकता है। ये तीन तरीके के आपके हो गए, बेसिक फंक्शनैलिटी समझ में आ गई। काम इसका ये है, ये सिंपल दाल को तड़के वाली दाल बना रहा है, सब सता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। आप देखिए जी, अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो एपो एंजाइम के साथ यानी कि प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली जुड़ता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट बाउंड टाइटली, ठीक है। अब एग्जाम्पल है जैसे परोक्सीडेज एंड कैटेलेज, जिसके अंदर आप जैसे परोक्सीडेज के अंदर आपका वो हाइड्रोजन परोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में बदलता है और उसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब हीम इसके साथ जुड़कर इस काम को फास्ट कर देता है, ठीक है जी। वहीं जो आपका दूसरा है कोएंजाइम, वो कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वो एपोएंजाइम के साथ ट्रांजिएंटली जुड़ता है यानी कि मौके पर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और जुगाड़ू बॉन्ड है, समय पर जुड़ गया और जहां उसका मौका आया टूट गया। अब जैसे इसके अंदर आपका एनएडी और एनएडीपी में, ठीक है, अब इसके अंदर विटामिन नियासिन होता है, ठीक है, और जो इस तरीके से ये वर्क, ठीक है। नेक्स्ट मेटल आयन, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये एक तरफ तो मेटल जुड़ता है सबस्ट्रेट के साथ और दूसरी तरफ मेटल जुड़ता है आपका एपो एंजाइम के साथ, समझ में आ रही है बात। एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करता है दोनों के बीच में, एक तरफ एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम के साथ और दूसरी तरफ सबस्ट्रेट के साथ, तो उनके बीच में ब्रिज की तरह वर्क कर रहा है। जिंक को फैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसके लिए, जो कि एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को ब्रेक डाउन करने वाला, ठीक है, समझ में आ गई जी बात। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये भी साफ है। चलो अच्छा, चलो समझ लीजिए इसे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इनहिबिटर होता है बेसिकली जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, ठीक है जी। अब इसमें एक दूसरा वर्ड आ जाता है और स्पेसिफिक, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आपको देखो दिया हुआ है ये के सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेम्बल्स टू सक्सिनेट, कायदे में है सक्सिनेट, जो सक्सिनेट सक्सिनेट सबस्ट्रेट है जिस पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जुड़ता है और उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल जाता है, लेकिन इसका ही कॉम्पिटिटर है मेलोनेट। अब जब मेलोनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सक्सिनेट डीन हाइड्रोजिनेज मेलोनेट के साथ जुड़ जाएगा,
अब वो डिजायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं बनेगी जो शरीर चाहता है, ठीक है। अब यही खेल हम किस में खेलते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन के कंट्रोल के लिए। ये मुद्दे की चीज है। अब जैसे कि इसका ताजा एग्जाम्पल, अब जो आपका ग्लूकोज था उसका एक वेरिएंट निकाला था कोरोना में डीआरडीओ ने। अब उसमें क्या है, वो ग्लूकोज की तरह दिखता है स्ट्रक्चर में। अब वायरस, कोरोना वाला वायरस उसको एब्जॉर्ब करता था कि मुझे एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज के लिए, लेकिन उसे मिलता था ठेंगा और वो मर जाता था। तो वो सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया था उसके अंदर, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और स्टैटिन्स जो आपने वो पढ़े था, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल वाला, वो यही है। सोचो कैसे, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको तो बढ़ाने के लिए एक्टिवेट करता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देता। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के थ्रू सेम है कॉन्सेप्ट भाई। गुड कोलेस्ट्रॉल तो सब चाहते हैं ना शरीर में, बैड कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देता, और वो इनबिल्ट मैकेनिज्म हो गई, इसलिए शरीर के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां से ये स्टैटिन्स के साथ जुड़कर क्या हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जितने भी हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं, बस आपको उसको रिलेट करना है, समझना है, यही इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन का तरीका है, ताकि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को क्लियर कर सके, टॉपिक को कॉन्सेप्ट को जोड़ सकें, और आपके लिए एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो सके, ताकि आप उसमें अच्छे तरीके से डील कर सकें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए जी, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, और फिर इसके बाद करेंगे हम एनिमल फिजियोलॉजी, और ये आपके दोनों ही जो टोटल 90 क्वेश्चंस हैं, उन 90 क्वेश्चंस में इनका आप मिनिमम 20% शेयर मानकर चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और ये आप इनका बेसमेंट मान लीजिए कि अगर ये आपकी मुट्ठी में है तो ये आप समझ लीजिए बहुत अच्छे नंबर देने वाले हैं ये आपको, और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको टाइटली कैप्चर करना पड़ेगा। देखिए जी, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे रिलेट कर सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। अब जैसे इसमें मेलविन केल्विन भाई एग्जेम्पलरी है इनका वर्क, क्योंकि यही थे जिन्होंने सी3 साइकिल के बारे में पूरी जानकारी दी, इसलिए उनके नाम पर ही हम केल्विन साइकिल के नाम से उसको जानते हैं। अब ये सबसे पहले थे जिन्होंने ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल करके कार्बन-14 जो उसका रेडियो आइसोटोप है इसका यूज किया, और पूरा का पूरा सी3 साइकिल को एसिमिलेशन को इन्होंने बताया, इसलिए इनको नोबल प्राइज भी मिला 1961 में।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो जाता है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आपका लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बहुत छोटी सी बेसिस सी बात है जो आप 6th 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये सारा कुछ जो आप 10th में पढ़ चुके हैं वही है। जो मेन एक्टिविटीज आपने पढ़ी थी कि सबसे पहला क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दूसरा पढ़ा था आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तीसरा पढ़ा था सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, चौथा हो गया आपका ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये 4 5 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब नेक्स्ट इसके एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक हाफ मोल मोल्स एक्सपेरिमेंट है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें हाफ लीफ को KOH के सॉल्यूशन में रखा जाता है और हाफ लीफ को बाहर रखा जाता है। तो जिसकी अब जो KOH के सॉल्यूशन में होगी वो सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, और CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा तो CO2 मिलेगी नहीं, CO2 नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बनेगा तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो उसे हम मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या मोल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो इस चीज को ध्यान में रखें। और इसके साथ साथ नेक्स्ट देखिए जी, अब अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ने क्या क्या बताया, देखो, जैसे कि जोसेफ प्रीस्टले ने सेम ये रखा, इसमें आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। देखिए भाई, यहां पर दो चीजें हैं कि जो CO2 इससे और कार्बन के बर्न होने से निकलेगी उसको प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करेंगे, और इसके बदले में वो O2 निकालेंगे, जिन्हें ये दोनों यूज करेंगे, ये जलने के लिए और ये सांस लेने के लिए, इसलिए ये जुगाड़ कामयाब हो जाएगा। ठीक है जी, अब वहीं ऊपर आप देखेंगे क्यों कामयाब नहीं हुआ। भाई ऊपर आप देखें तो यहां से इसने भी CO2 रिलीज करी और इसने भी CO2 रिलीज करी, लेकिन O2 तो दोनों में से किसी के पास भी नहीं है जलने, उसे जलने के लिए चाहिए, उसे सांस लेने के लिए चाहिए, तो ये बुझ जाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है जी, अब इसी चीज को उन्होंने ये कहा कि यहां सर्वाइवल क्यों हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों से जो फॉल एयर बन रही है CO2 की वजह से इम्प्योर हो रही है उसको ये प्योरीफाई कर रहा है। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि जोसेफ प्रीस्टले 1770 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। प्रीस्टले आल्सो रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। प्रीस्टले ऑब्जर्व दैट ए कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, सिमिलरली अ माउस सून सफोकेट इन ए क्लोज स्पेस। ही कंक्लूडेड दैट द बर्निंग कैंडल और एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बहुत समहाउ डैमेज दैट, डैमेज का मतलब CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वेन प्लेस्ड इन ए मिंट प्लांट इन ए बेल जार माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न। प्रीस्टले हाइपोथेसाइज दैट प्लांट्स रीस्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। अब नेक्स्ट इसी को ही, इसी एक्सपेरिमेंट को लाइट में और डार्क में रखकर ऑब्जर्व किया, तो उसने पाया कि भाई लाइट में तो जिंदा रह रहा है माउस भी और कैंडल बर्न कर रही है, लेकिन डार्क में ऐसा नहीं हुआ। तो उसी चीज को देखिए, यूजिंग ए कैंडल एंड ए प्लांट रिमेंबर रिकिंडल द टेस्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, यूजिंग ए सिमिलर एक्सपेरिमेंट क्या किया प्रीस्टले ने, उसको जैन इंगन हॉज ने, उसने पहले डार्क में रखा फिर सनलाइट में रखा, शोड दैट सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस समहाउ प्यूरिफाइज द एयर बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग। इंगन हॉज इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वाटिक प्लांट शोड दैट ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म और डार्क में वो बबल्स डेवलप नहीं होते।
अब बबल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो यहां से शुरुआत इस बात की भी हुई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, किस चीज की शुरुआत हुई कि भाई हम फोटोसिंथेसिस को कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से पहली बार इस चीज का कंसेप्ट इंगनहॉज ने समझाया, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में आपको रखना है, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी अब, और ओनली द ग्रीन पार्ट रिलीज ऑक्सीजन। इसने लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया कि ओनली द ग्रीन पार्ट रिलीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए अब, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट, जूलियस वॉन सेट्स, इसने ये बताया कि भैया ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है जी, और प्लांट ग्रो करते हैं ग्लूकोज की वजह से, पहली बात। दूसरी बात, इसने ये बताया कि ग्रीन सब्सटेंस होता है, नाम नहीं खोला इसने क्लोरोफिल, इसने नाम दिया ग्रीन सब्सटेंस, और इस तरीके से उसने कहा स्पेशल बॉडीज में होता है, फिर नाम नहीं खोला, जो बाद में पता लगा हमें क्लोरोप्लास्ट है विद इन द सेल, ठीक है जी। तो मुद्दे की बात इसने क्या बताई कि ग्रीन पार्ट्स जहां होते हैं वहीं ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट था। अब ये सारे कैसे आपका कॉम्पिटेंसी बेस में बदल सकते हैं, आपको चार अलग अलग साइंटिस्ट के स्टेटमेंट दे दिए और उनके साथ उनके नाम टॉगल कर दिए, मैच द कॉलम, पहला क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। दूसरा, आपको लिस्ट दे दी कि भाई बताइए कौन किसके साथ रिलेट करेगा। तीसरा, आपको दे दिया इनकरेक्ट करेक्ट वाला, चार स्टेटमेंट दे दिए। तो अब यही क्या हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा, टैकी हो जाएगा। अब इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ये छोड़ने लायक चीज नहीं है, एक क्वेश्चन भी आ गया वहीं 4 नंबर का खेल खत्म कर देगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैटेगरी लिख रहे हो जो मैं बता रहा हूं, इसी तरीके के मिलेंगे इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जी अब, टी डब्ल्यू एंगलमैन, ये पहला व्यक्ति था जिसने आपका स्पेक्ट्रम, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल के लिए, ये सबसे पहला व्यक्ति था जिसने उसकी जानकारी शुरू की, उसके बारे में एक आइडिया दिया। समझ में आ रही है बात? इसने क्या किया, उसने प्रिज्म के थ्रू लाइट को स्प्लिट कर दिया, व्हाइट लाइट को, और उसने एक पेट्री डिश के अंदर आपका क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा लिया और साथ के साथ उसके ऊपर बैक्टीरिया को सस्पेंड किया एरोबिक। अब उसका पर्पस बेसिकली ये था कि जब क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस करेगा तो उससे ऑक्सीजन निकलेगी, उस ऑक्सीजन का यूज करके एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेगा। अब उसकी अगर ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब ऑक्सीजन निकल रही, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर वो फोटोसिंथेसिस को चेक कर रहा। तो वही बात क्या आ गया, एक्शन स्पेक्ट्रम आ गया ना, ठीक है। अब उसने डाला जी पहले अलग अलग, पहले वॉयलेट लाइट डाली, फिर इंडिगो, फिर आपका ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज, रेड, सबके ऊपर डाल डाल के उसने फोटोसिंथेसिस को एग्जामिन किया। ही नोटिस्ड दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम एट ब्लू एंड रेड रीजन। और इस तरीके से ये पहला व्यक्ति था जिसने हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में आइडिया दिया। देखो, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड, इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, व्हाट वी डिस्कस्ड नेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन हो गया, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट, अब बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, फिर एक एम्पिरिकल इक्वेशन हमारे सामने आ गई कि CO2 प्लस H2O, लाइट में आपका ये एम्पिरिकल फॉर्मूला दिखा दिया, CH2O और O2 गैस बन गई। अब यहां पर फिर एक माइलस्टोन खड़ा किया वॉन नील, उसने कहा कि भैया ये फोटोसिंथेसिस करने वाले भी दो खिलाड़ी हैं अलग अलग, एक को उसने कहा ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया, और एक अदर बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और आपके ग्रीन प्लांट्स। अब दोनों में फर्क क्या है, उसने यहां कह दिया जी H2A। अब ये ए इधर ऑक्सीजन और सल्फर, अब जितने भी ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया है वो यहां पर सल्फर को सल्फेट, सल्फ
सल्फर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के तौर पर, बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकालते हैं, तो वो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो गई, और जो आपका ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ये माइलस्टोन साबित किया कैरनस वान नील ने। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये इसने साबित किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और आप ये कहो कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये भाई बहुत, जिसे कहते हैं ना, बेवकूफी भरी बात है, क्योंकि इसने उसी चीज का हिंट दिया है, ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले शुरुआत इसने करी ना, ये एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया? टीडब्ल्यू एंगलमैन ने। भाई वो इंडिकेशन दिया वहां से, और उसके बेसिस पर एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहला इसने डिसाइड किया। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? और फिर ओवरऑल इक्वेशन हमारे सामने आई। तो इस तरीके से ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन हमारे कंप्लीट हो गए, इनको हमने समझ लिया है। कल इसके बाकी के हिस्से को कंप्लीट करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाला कल कंप्लीट करते हैं। इस देखो, ये बेस्ट तरीका है मेरी नजर में। इसमें आप क्या है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से बार बार सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अप्रोच के साथ करें, वन शॉट बनाएं इनकी। वन शॉट का मतलब मिनिमम राइटिंग, मैक्सिमम उनका इम्पैक्ट, उनका कंट्रीब्यूशन आपके लिए हो, और लिखें आप मिनिमम, क्योंकि आपको रिट्राइव करना है, और रिट्राइव करने के लिए माइंड में कुछ होगा तभी आप रिट्राइव कर पाएंगे। तो आपको मिनिमम लिखना है, राइटिंग वर्क करना है, और उसका मैक्सिमम आउटपुट लेना है, लेकिन बिना लिखे ये काम नहीं हो सकता। ये बहुत बेस्ट अप्रोच है, मैं आज तक कभी इस अप्रोच में फेल नहीं हुआ। जिसने इस अप्रोच को माना उसने डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर बायो के लिए किया है, और नीट में आपके लिए बायो ही स्ट्रेंथ है, क्योंकि दैट हैज द 50% रेशियो। 50% में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, और 50% अकेला बायो लीड कर रहा है। तो उस हिसाब से अपने आप को इसमें इस तरीके से तैयार करिए कि एक एक पेज का, एक एक वर्ड का मतलब आपको क्लियर और रेक्टिफाई हो। अब बहुत सारी चीजें देखो, मैंने जैसे आपको बताई, हर चैप्टर में वो मैं आपको एसेंस दे रहा हूं, वो चीज दे रहा हूं जो छुपी हुई है, और जिसके ऊपर 100% आपको क्वेश्चंस मिल गए। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, बायोलॉजी को आसान बनाते रहिए, और नीट के लिए अपने रास्ते को पॉजिटिव, ब्राइट और अप्रोचेबल बनाते रहिए। मिलते हैं कल, और बाकी इस हिस्से को कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ